वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर लेस देन टाइप डिस्क्रीट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर देन टाइप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। क्यूमुलेटिव यानी कि जिस जगह पे जिस फ्रीक्वेंसी का हम फर्स्ट देख रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी का सक्सेसिव ऑर्डर यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, एडिशन। सारी जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट में सेम, सेकंड में, सेकंड प्लस फर्स्ट, थर्ड में थर्ड, सेकंड प्लस फर्स्ट, इस तरह से जितने भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिए गए हों, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है लास्ट में उसका फ्रीक्वेंसी का टोटल आ जाएगा इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। अब आज हम सीखने वाले हैं लेस देन और मोर देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 50 फैमिलीज ऑफ अ रीजन इज अंडर। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 0, 1, 2 एंड 3 टोटल। नंबर ऑफ फैमिली इज F, 10, 25, 12 एंड 3 टोटल इज 50। Obtain less than type and more than type cumulative frequency distribution for these from this data. The distribution is for discrete variable, therefore less than and more than type cumulative frequency distribution can be obtained as under. First, we will start with less than type of distribution. क्या करना है? X or L, which is given in the example. We have to write down it first. X is number of children 0, 1, 2, 3. F means number of families 10, 25, 12 and 3. Now less than or equal to X yani ki less than type of yani ki jo hume X diya gaya hai wo ya to phir usse less than or equal to hume find karna hai. इट मीन दैट यहाँ पे हमें फर्स्ट फाइंड करना है कि जीरो जीरो से कम या तो फिर जीरो चिल्ड्रन जो है वो कितनी फैमिलीज में है, तो 10। यहाँ पे इससे लेस देन फाइंड करना है तो जो हमारा एक्स है उसके हिसाब से हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू एक्स इज 0, 1, 2, 3 जो यहाँ पे है वही यहाँ पे हमें लिखना है। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि इतनी ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें जीरो या तो फिर जीरो से कम चाइल्ड है, तो वो जीरो से कम चाइल्ड तो वो ही कह सकते। तो यहाँ पे सी एफ इन लेस देन टाइप इज 10, 10 फैमिलीज है जिसमें जीरो चाइल्ड है। लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू एक्स, जीरो में कितने हैं 10 चिल्ड्रन, ऐसी 10 फैमिलीज है जिसमें 0 चिल्ड्रन है। नेक्स्ट इज 1, इट मीन्स दैट एक और एक से कम जो है, ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें एक और एक से कम चिल्ड्रन है, तो इतनी कौन सी फैमिली है, एक तो एक चिल्ड्रन वाली 25 फैमिली और 0 चिल्ड्रन वाली 10 हो गए एक या तो फिर एक से कम, एक से कम में 0 आते हैं, एक या तो फिर एक से कम लेस देन और इक्वल टू एक्स, या तो फिर एक चाइल्ड हो या एक भी ना हो, तो ऐसी कितनी फैमिलीज है 25 प्लस 10, ऐसी 35 फैमिलीज है जिसमें या तो फिर चिल्ड्रन है ही नहीं या तो फिर कितने चिल्ड्रन है एक। थर्ड इज 2, यहाँ पे दो या तो फिर दो से कम जो चिल्ड्रन है उतनी, तो कितनी फैमिलीज है जिसमें दो या दो से कम चिल्ड्रन है, तो दो चिल्ड्रन हो ऐसी 12 फैमिली है, 1 चिल्ड्रन हो ऐसी 25 फैमिली है और 0 चिल्ड्रन वाली 10। हमें फाइंड करनी है दो या दो से कम, उसमें ये तीनों आ गए 12, 25 प्लस 10, तो ऐसी 47 फैमिलीज है जिसमें दो या दो से कम चिल्ड्रन है। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग क्लियर? नेक्स्ट इज 3, लास्ट में जो है तीन या तीन से कम चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में है, तो इसमें सारे जो है फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे 3 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 10,
लास्ट में जो हमें वो आएगा 50। लेस देन टाइप में क्या होगा, ऊपर से नीचे तक टोटल होगा। फर्स्ट में फर्स्ट ही आएगा, सेकंड में फर्स्ट प्लस सेकंड, थर्ड में फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, एंड जो लास्ट होगा उसमें सारी फ्रीक्वेंसी कलरों के टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इन लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मोर देन टाइप में क्या होगा, पूरा ऑपोजिट होगा। मोर देन टाइप में पूरा ऑपोजिट, यहाँ पे x 0 1 2 3, f 10 25 12 n 3। अब हमें फाइंड करना है मोर देन टाइप, यानी कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मोर देन और इक्वल टू x। 0 और 0 से ज्यादा वाले कितनी फैमिलीज है जिसमें 0 चाइल्ड हो या तो फिर 0 से ज्यादा। तो 0 से ज्यादा तो ये सारी में है, 1 2 n 3, 0 भी लेना है, और 0 से ज्यादा चिल्ड्रन हो उतनी सारी फैमिलीज को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में लेस देन में फर्स्ट में फर्स्ट आता था, यहाँ पे फर्स्ट में पूरा टोटल आ जाएगा। इट मींस दैट 0 या 0 से ज्यादा, मोर 0 और मोर देन 0, तो यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल आ जाएगा 10 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 3। ऐसी 50 फैमिली है जिसमें 0 या 0 से ज्यादा चिल्ड्रन है। नेक्स्ट इज 1। अब 1 और मोर देन 1, एक चिल्ड्रन हो या तो फिर एक से ज्यादा चिल्ड्रन हो, ऐसी फैमिलीज का टोटल हमें चाहिए। तो यहाँ पे 0 जो है वो निकल जाएगा, हमें क्या चाहिए 1 और मोर देन 1, उसमें आएगा 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे ये 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, 25 प्लस 12 प्लस 3। ऐसी 40 फैमिली है जिसमें एक या तो फिर एक से ज्यादा चिल्ड्रन है। नेक्स्ट इज 2। 2 और मोर देन 2, तो यहाँ पे 0 और 1 विच इज लेस देन 2 वो निकल जाएगा। तो ऐसी 12 प्लस 3, इसमें 2 और 2 से ज्यादा चिल्ड्रन है, ऐसी 15 फैमिली है। कितनी फैमिली है, 15। ऐसी 15 फैमिलीज है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे आएगा 15। एंड लास्ट 3, 3 और मोर, तो 3 से ज्यादा तो चिल्ड्रन यहाँ पे किसी भी फैमिली में नहीं है, तो 3 या 3 से ज्यादा, तो 3 चिल्ड्रन हो ऐसी फैमिली कितनी है, 3। यहाँ पे लास्ट में जो है वो आएगा 3। लेस देन टाइप से पूरा रिवर्स है मोर देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से लेस देन और मोर देन जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक, आप घर पे इसको रिवाइज कीजिए और अलग अलग इलस्ट्रेशन में ये सारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कीजिए, उसको समझने की ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सम के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।